हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जस्ट आज संडे है और मैं अपने हेयर केयर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज करने जा रही हूँ, यानी कि मैंने इसे 2-3 बार यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैंने ये इसका मुझे आइडिया कहाँ से मिला ये भी मैं आपको बताऊँ। जब मैं जावेद हबीब के अपना हेयर कट लेने गई थी तो वहाँ पे उन्होंने मेरे हेयर्स पे जब मैंने डीप कंडीशनिंग कराई थी तो उन्होंने मतलब ये यूज़ किया था वहाँ पे। तो जैसे मैंने कैप्चर कर लिया था कि उन्होंने क्या लगाया है, और मैंने घर पे आके ऑर्डर किया था और मैंने इसे 3 बार अब तक यूज़ किया है। सच में अमेजिंग रिजल्ट है। हेयर्स जिनके भी ड्राई डैमेज ठंड की वजह से हो रहे हैं, मिस ये देखिए, ये आपके हेयर फॉल को नहीं रोकेगा या कोई रेमेडी ये नहीं है। जस्ट अगर आपको किसी पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो, या फिर आप अपने बालों को ठंड में, जो बालों का टेक्स्चर बहुत बिगड़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगते हैं, ये उनको बहुत स्मूथ करेगा। तो जी हाँ, यहाँ पर बात कर रही हूँ मैट्रिक्स का ऑप्टिक केयर का, और ये जो है ये जस्ट लाइक एक पैक है और क्रीमी पैक है और बहुत अच्छा सा। और ऐसा नहीं है कि ये ऑयली वाले नहीं लगा सकते, ये ऑयली वाले भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके स्कैल्प से ये ऑयलस को हटाएगा और बहुत अच्छा सा एक स्मूथ देगा। और सच में ये प्रोफेशनल जितने भी हैं, जैसे कि जितने भी प्रोफेशनल हैं PSLC और जितने भी जैसे जावेद हबीब, जितने भी प्रोफेशनल शोरूम्स हैं उसमें इसकी फुल रेंज यूज़ की जाती है। और इसमें सबसे अच्छा बात है शिया बटर है, और आई नो आप सब जानते हैं शिया बटर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। आप देखते होंगे क्रीम्स या मॉइस्चराइजर में भी शिया बटर यूज़ होता है, हेयर्स के भी पैक में शिया बटर यूज़ होता है, तो इसमें ये जो है ये शिया बटर भी यूज़ है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक मतलब क्रीमी टेक्सचर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कितनी देर यूज़ करना है और कैसे हेयर्स पे यूज़ करना है। तो पहले एक मैं इसका ज़रा क्लोज लुक आपको दिखा दूँ। उसमें आता है थोड़ा सा मैट्रिक्स ऑप्टिक केयर स्मूथ स्ट्रेट, यानी कि बहुत अच्छा सा इफेक्ट है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इसकी जो रेट है 690 है। अगर आप अभी देखेंगे ऑफर्स में तो मिल जाएगा, मतलब ठीक ठाक रेंज में आपको मिल जाएगा। मैं इसे 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ और इसकी फुल रेंज आती है। आप चाहे तो इसका शैम्पू मंगाएं, आप चाहे तो इसका पैक मंगाएं, कंडीशनर मंगाएं, कुछ भी मंगाएं, बहुत अच्छा है। और सच में मैं आपको दिखाती हूँ, लिखा भी है प्रोफेशनल अल्ट्रा स्मूथनिंग, तो मतलब काफ़ी अच्छा है। और इसका टेक्स्चर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मतलब 450 ग्राम का है इतना, तो इस तरह के टेक्सचर में आता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है, कैसे हेयर्स पे यूज़ करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। ये है ज़रूर 680 रुपये का, यानी कि इसके 690 का है ये, लेकिन मैंने इसे स्नैपडील से मंगवाया है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे ये मेरे घर तक विद शिपिंग 295 का पहुँचा है। यानी कि अगर आप अभी जाएँ स्नैपडील पे और ऑप्टी मैट्रिक्स की ऑप्टी केयर रेंज में जाएँ तो बहुत चीज़ें सस्ती हैं। और जस्ट आप जैसे मैंने ऑर्डर करने से पहले इसे अमेज़ोन पे देखा था और फ्लिपकार्ट पे भी देखा था, सेम 690 का ही मिल रहा था और उस पर भी शिपिंग चार्जेस लग रहे थे। यानी कि ये मान के चलिए 700 तक का कुछ आपके घर में आ रहा था, लेकिन मुझे ये विद शिपिंग स्नैपडील से 295 का मिला है। तो देर मत लगाइए, जस्ट मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जस्ट जैसे ये वीडियो देखिए ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बाल जो हैं वो क्लीन है, यानी कि आज संडे है और मैंने फ्राइडे को अपने बालों को वॉश किया था। तो इसके लिए जो है आपकी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, मतलब ऑयल वॉयल बालों में नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन स्कैल्प होनी चाहिए, शैम्पू किए हुए बाल होने चाहिए। उसके बाद आपको अपने बालों को सेक्शन के थ्रू, यानी कि यहाँ से लेके विद सेक्शन आपको यूज़ करना है। मेरा ओम बहुत अच्छे से अपने बालों को पहले से टेंगल फ्री करिए और उसके बाद आपको विद सेक्शन करके इसे अपने पूरे बालों में लगाना है। तो चलिए लगाना अप्लाई करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि कितनी देर रखना, कैसे वॉश करना है। टेंगल फ्री कर लिया है और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि जो लोग थोड़ा सा अपने हेयर्स पे पैसे खर्च नहीं करना चाहते, हेयर स्पा नहीं करवा सकते हैं या फिर डीप कंडीशनिंग नहीं करवा सकते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। या जो लोग करवा भी सकते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जब इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो आप ज़रूर यूज़ करिए। तो सेक्शन के थ्रू आप अपने बालों को लीजिए, इसे लगाना है स्टार्ट करें। और
और इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी सी है, बहुत अच्छा सा फील होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्कैल्प पे लगाऊंगी, देन उसके बाद बालों पे आऊंगी, जिससे जो मेरी स्कैल्प है वो भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि स्कैल्प अगर आपकी ड्राई है तभी आपको जो है बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैल्प की केयर करनी है मुझे, उसके बाद अब मैं बालों को जो मैंने सेक्शन किया था उसे सेक्शन वाइज डिवाइड करूँगी और एक बार पीछे की स्कैल्प में भी थोड़ा सा लगाऊंगी। I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. इसे 15 से 20 मिनट, ज़्यादा देर नहीं रखना है। जैसे जिनके पास टाइम नहीं है तो उनका भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप जस्ट 15 से 20 मिनट इसे लगाइए, देन जाके हल्के से, जैसे ठंड है तो आप हल्का गर्म पानी यूज़ करोगे, इसमें तो लिखा है कि जैसे ठंडा या गर्म जैसा भी आप चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो। तो मैं हल्का गुनगुने पानी से इसे वॉश कर रही हूँ, और मैं हल्के गुनगुने पानी से वॉश करती हूँ, आपको कुछ शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर ये हल्का सा आइस में चला जाए तो ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि केमिकल तो है ही है लेकिन बालों को बहुत अच्छा टेक्चर देगा। तो ये चीज़ बच्चों से दूर रखिए, आइस में जल चला जाए ठंडे पानी से वॉश करिए, इसके बाद आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है। मैं 20 मिनट रखूँगी इसे और इसके बाद वॉश करूँगी। तो मैं अभी आपको आफ्टर वॉश अपने बालों का टेक्चर भी दिखाऊँगी कि कितना अच्छा होने वाला है मेरे बालों का टेक्चर। तो 15 मिनट मैं इसे रखती हूँ और फिर वॉश करती हूँ। और मान के चलिए ये जो मैंने 450 ग्राम लगाया, आज मैं तीसरी बार यूज़ कर रही हूँ। मेरे हेयर की लेंथ आपने देख ही ली है, तो आपने जैसे जिनके बहुत लंबे हैं, और अभी भी मैं आपको दिखाऊं ये इतना सारा है मेरा बैंड। और मैं जस्ट अब अपने बालों में बैंड लगाऊंगी।
15 मिनट 20 मिनट बाद वॉश करके जस्ट मैं आप लोग से मिलती हूँ और बालों का टेक्चर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हुआ है। और एक चीज़ और, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई भी, जस्ट अभी मॉर्निंग है तो जस्ट ऑफ कोर्स की बात है कि मैंने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा सा एक सीरम यूज़ कर रही हूँ। विटामिन सी सीरम है, मे भी थोड़ा सा कॉस्टली है, बहुत नहीं थोड़ा सा कॉस्टली है, तो विटामिन सी सीरम है, तो सीरम है, सिरप नहीं है, सीरम है, विटामिन सी सीरम है। तो अगर इसका ग्लो और बढ़ेगा, यानी मुझे यूज़ करते हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं, 15 दिन यूज़ करती हूँ और ग्लो बढ़ता है, तो आप लोगों से मैं उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि शादी होने वाली है, फेस की जितनी भी शाइन है चली गई है, और ऑफकोर्स ये बात है कि शादी होने वाली है, थोड़ा सा मनी खर्च कर सकते हैं अपने फेस के लिए। और मतलब कि मैं आपको उसको बताऊंगी। और ये देखिए, इतने दिन से सोच रही हूँ कि ये नेल पॉलिश में छुटा लूँ और छुटा नहीं पा रही हूँ, सारे फिंगर्स की छुट्टी हुई और इसकी नहीं है, तो आज कोशिश करती हूँ कि इसे वॉश कर लूँ, इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसको भी जस्ट हटा दूँ, तो उसका भी मैं रिव्यू शेयर करूँगी, लेकिन तब जब इसका ग्लो और बढ़ेगा, 15 दिन यूज़ करूँगी, देन उसके बाद ही आपका के साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो 15 मिनट बाद, मतलब 15 नहीं, अभी जस्ट नहा नहीं जाऊँगी, 15 से 20 मिनट बाद, उसके बाद जब बाल हल्के से ड्राई हो जाएंगे तब मैं आपसे मिलती हूँ। जस्ट अपने बालों को मैंने वॉश कर लिया था, लेकिन दोपहर से लाइट नहीं आ रही थी, तो आप लोगों के साथ मैं मतलब नहीं ये वीडियो बना पाई, तो आप बालों का टेक्सचर देख सकते हैं, यानी कि बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, डैमेज नहीं है, जो ठंड में लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, आवाज़ आती है, और स्कैल्प भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि क्लीन हो गई है, और बिल्कुल भी मतलब कि आपके बाल जैसे आप बना के रखना चाहते हो रख सकते हो, मीन्स बोलते हैं कि आपके बाल जो हैं बिल्कुल भी उलझने वाले नहीं है, बहुत अच्छा सा, आपको छूने में भी बहुत अच्छा सा लगेगा, और स्ट्रेट भी, जिनको स्ट्रेटनिंग की प्रॉब्लम है उनकी भी सूझेगी, क्योंकि बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छे से शाइन भी आ रही है इससे। तो अभी जस्ट मैं लाइव गई थी, लाइव आने के बाद जस्ट मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से शाइन है। आई होप गाइस आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भर भर के लाइक करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।